Hello students, I am Divya Singh. I am again in front of you. Today I will solve few more questions of class 9th maths topic polynomial. We will use algebraic identities. In previous video I have taught about the few questions about algebraic identities, how can we spread. Few more questions here, I will solve this and you have to pay attention for that. Then how can you solve this question, such types of questions. In examination, not the questions in NCERT, in refreshers questions. So how can you solve? If anyone asks you that such types of questions, then how can you solve? Then pay attention for that questions. The question is this: if a plus b plus c is equal to 0, then prove that this b plus c whole square upon 3bc plus c plus a upon whole square upon 3ac and a plus b whole square upon 3a is equal to. So what do we have to do? Left hand side. B plus C whole square upon 3BC, C plus A whole square upon 3AC, A plus B whole square upon 3A. अब सबका LCM ले रहे थे, LCM क्या होगा बेटा? 3 3 3 सब में LCM 3 हो गया, ABC, ABC हो गया, ये हो जाएगा B plus C. तो इसमें A into BC है ना, A का मल्टीप्लाई करना होगा, A into B plus C का होल स्क्वायर, इसमें B into C plus A का होल स्क्वायर, प्लस C into A plus B होल स्क्वायर. कैसे होगा भाई? यही होता है कि प्रत्येक डिनोमिनेटर से LCM नंबर को डिवाइड करते हैं, जब 3BC से 3ABC को डिवाइड करेंगे तो 3BC हट जाएगा, A बचेगा, A का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 3AC हट जाएगा, B बचेगा, B का मल्टीप्लाई इसके लिए पूरा कर देंगे, 3AB + C बचेगा, C का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे. अब देखो बेटा, A into B square plus C square plus 2BC, C square plus A square plus 2CA plus C into A square plus B square plus 2AB. Identity, A plus B whole square, ये 3ABC. ठीक है, देखते जाइए, ध्यान से समझते जाइए. अब इसका मल्टीप्लाई कर दे बेटा, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 2ABC, बी सी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ABC, सी ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर प्लस 2ABC अपॉन 3ABC. अब इसको क्या करें, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 6ABC, क्या हो जाएगा 6ABC. ध्यान दीजिएगा, अब देखो बेटा, ए बी स्क्वायर और ए बी बी ए स्क्वायर, इसको एक साथ कर लें अपान 3ABC. अब यहां देख रहे हैं, देखिए ए बी स्क्वायर और यहां पे बी ए स्क्वायर, एक मिनट, ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर कर लें, अगर इसमें से हम कॉमन कर लें, ए बी कॉमन करेंगे, बी प्लस ए बचेगा, देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस 6ABC, एडजस्ट करना अपान 3ABC. ध्यान दीजिएगा बेटा, अब ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, इनमें से अगर ए बी कॉमन कर ले तो बी प्लस ए बचा, ठीक, ए सी और सी ए में से ए सी कॉमन कर ले तो सी प्लस ए बचा, ठीक है, इसमें से BC का मान कर लें तो C प्लस बी बचे, यहां प्लस 6ABC है अपान 3ABC, ठीक. अब देखो, ध्यान समझिए, ये गिवन है कि A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, क्या हो जाएगा बेटा, A प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी,
b plus c equal to minus a और a plus c equal to minus b, ये होगा, इस तरह कर सकते हैं। तो b plus a को क्या लिख सकते हैं, देखते जाइए, a b into minus c plus a c into minus b plus b c into b c a तो minus a, अब plus 6 a b c अपान क्या हो जाएगा 3 a b c, यानी तो minus a b c minus a b c minus a b c plus 6 a b c अपान 3 a b c। क्वेश्चन साफ होना चाहिए, क्वेश्चन देख घबराना नहीं चाहिए, क्वेश्चन पता ना, देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुर्भो पछताते थे। तो ये क्वेश्चन, ये पापा इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं होगा, क्वेश्चन बड़ा है, कैलकुलेशन शुड बी क्लियर, अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो कैलकुलेशन शुड बी क्लियर, और कैलकुलेशन क्लियर है आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो तीनों सेम है, माइनस थ्री ए बी सी प्लस सिक्स ए बी सी अपान थ्री ए बी सी, अब देखिए ये हो जाएगा 3abc अपान 3abc, आई होप 1 आ गया, और ये क्या है राइट हैंड साइड। कभी कभी क्या होता है इवेलुएट दिस, ये नहीं देगा प्रूफ डेट नहीं करने का देगा, सिंपलीफाई करिए इवेलुएट करिए, अगर ये है इसकी वैल्यू फाइंड करिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। लेकिन आपको सारी जैसे आप पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं तो आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्लियर होनी चाहिए, सारे फार्मूले क्लियर होने चाहिए, और दूसरी सबसे मेन चीज है कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेशन आपकी सबसे अच्छी है आप सब कुछ कर सकते हैं, कैलकुलेशन का ही मेन रोल होता है। ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको। एक क्वेश्चन और हमने लिखा है उसको भी बताते रहे हैं, इसको समझ लीजिएगा, बार बार देखिएगा समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व किया गया है, कुछ है नहीं इसमें बेटा, क्योंकि जब समय ऐसा चल रहा है अब आपको ऐसे ही पढ़ना है, जब लॉकडाउन खुलेगा क्लासेस चलेंगे फिर आप अपने क्वेरी और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। देखिए दिया हुआ है, यहां लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लें x माइनस वाई होल क्यूब प्लस y माइनस जेड होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स होल थ्री इंटू दिस। तो एक आइडेंटिटी क्वेश्चन बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए बी सी, ये मैंने बताया प्रूफ करा रहा है। ठीक है, अब ऐड कर लें हम x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, एक्स एक्स कट गया वाई से वाई कट गया जेड जेड इक्वल टू जीरो आ गया, देयरफॉर x माइनस वाई क्यूब प्लस वाई माइनस जेड क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा थ्री इंटू एक्स माइनस वाई y माइनस जेड जेड माइनस एक्स, भाई तीनों का सम जीरो हो गया, ऐसे देख लीजिए x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, इन तीनों को हमने ऐड किया एक जीरो हो गया, जब इन तीनों का ऐड जीरो होगा इन तीनों का क्यूब का सम क्या होगा थ्री इंटू ए इंटू बी इंटू सी, तो इन प्लेस ऑफ ए, इन प्लेस ऑफ ये ए है ये बी है और ये सी है थ्री ए बी सी थ्री इंटू एक्स माइनस वाई आ गया आपका राइट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, कभी कभी क्वेश्चन बहुत इजी लग जाता है तो सॉल्व हो जाता है आपसे कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरी चीज एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो होती हैं ये प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी और ए प्लस बी होल क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस बी, इसी जितनी आइडेंटिटी थी मैंने पहले वीडियो में सारी चीज आपको बता चुके हैं और सब क्वेश्चन सॉल्व मैं रिवाइज कर रहा हूँ। तो अब आपको क्या करना है कि इस पर ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और अपनी प्रॉब्लम को प्रैक्टिस के माध्यम से दूर करना है और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी है और हर सब्जेक्ट टच करते रहिए और इस लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने आप को सेफ रखिए, घर को सेफ रखिए, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग उस नई चीज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।